हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद रखते खैरियत से जी। दिन का टाइम है, 11:30 का टाइम है, तो मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। मैंने छली बॉयल की मैंने, और शकरकंदी मैंने बॉयल्स की। तो ये छली मैंने बॉयल की थी, पक चुकी है, अब इसे निकालूंगी मैं। इसको देखें, कलर बहुत प्यारा इसका आ गया है, तो गल चुकी है। और बॉयल की हुई छली मुझे बहुत पसंद है, इतनी पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो ये देखें जी, शकरकंडी बहुत मज़े की लगती है। इस पे हम कीनू वगैरह काट के, कीनू चाल के इस पे चाट मसाला डालते हैं, और काली मिर्च वगैरह डालते हैं, और दूसरी जो में होती हैं आपकी चाट मसाला और काली मिर्च डालते हैं। बहुत मज़े की, टेस्टी होती है ये खाने में। ये कपड़े धोने के लिए मैं लेके जा रही हूँ, वॉशरूम में रखूँगी कपड़े, क्योंकि काम वाली आने वाली है। बस थोड़ा 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम है, अभी आ जाएगी काम वाली। मैं इनका कपड़े यहाँ रख दूँ, क्योंकि आज कपड़े धोने हैं उसने। कपड़े वो हाथ पे धोती है हमारे, क्योंकि जो चादरें वगैरह होती हैं वो मशीन पे धो लेती है। तो ये सही ज़्यादी है, काम वाली हमारी ये सामने इसलिए नहीं आती। आप कहते हैं कि काम वाली सामने नहीं आती, उनके बच्चे भी सामने नहीं आते, बच्चियाँ छोटी छोटी सी वो भी सामने नहीं आती है, क्योंकि ये बहुत पर्दे के पाबंद होते हैं और अबाया पहनते हैं, और यहाँ निकाब करके होती है। अब यहाँ पानी जमा हो चुका था, मैंने फिर ये पाइप उठाया, पानी पे ये इसमें से पानी डाला, मैंने कहा सारा पानी निकल जाए यहाँ से। तो ये देखें, तो फिर मैंने पाइप लेके दूसरी तरफ गई, क्योंकि एलोवेरा थी यहाँ पे। मैंने कहा चलो एलोवेरा को अभी हम देखें, ग्रीन ग्रीन सी हो गई गर्मी में, ये बिल्कुल हमारी एलोवेरा वो हो गई थी। अब कुछ ये ग्रीन ग्रीन सी नज़र आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है ये देखें। तो अच्छी तरह से मैंने इनको वॉश किया, और ये देखें, ये भी एलोवेरा है, और गमलों में लगी हुई है, ज़मीन में इतनी नहीं होती जितनी गमलों में, ये अच्छी हुई हुई है हमारी एलोवेरा। और इस बेस्ट है बहुत, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। ये क्यारी छोटी सी बनाई हुई है, मैंने कहा यहाँ सब्जियाँ लगाएंगे अब गर्मियों में, जैसे अब गर्मियाँ हैं तो देखते हैं यहाँ पालक लगाते हैं या क्या लगाते हैं। तो ये देखें, बहुत बहुत ज़बरदस्त लग रही है एलोवेरा मेरी माशाल्लाह से, और मुझे बहुत प्यार है एलोवेरा से बहुत ज़्यादा। ये देखें, मेरा शौक है ये। फिर मैंने पाइप यहाँ से देखें, पानी सारा निकल चुका है। फिर मैंने मोटर बंद की यहाँ से, क्योंकि साथ ही मोटर लगी हुई थी, क्योंकि हमने हमारा ये घर रिपेयर होना है सारा, इस वजह से हम इसे हाथ में लगा रहे। जब पूरा बन जाएगा फिर मैं आपको शेयर करूँगी इसका, अभी तो ऐसे ही है। तो ये देखें जी, वैसे ये गली में मैं आपको दिखा रही हूँ, गेट खोल के, ये सामने जहाँ मोटर बाइक खड़ी हुई है, यहाँ पे ये घर बन रहा है, नया घर बन रहा है। तो यहाँ पे पहले बाहर बैठे होते थे 4 पीपे, अब ये अंदर बैठे हुए हैं मजदूर मिस्त्री, तो अंदर काम कर रहे हैं। वो दूर देखें, चीज़ें बेचने वाले भी, पापड़ वगैरह बेच रहे हैं, कुछ चीज़ें वगैरह बेचने वाले भी आए हुए हैं। अब मैं ऊपर जा रही हूँ, मुझे ऊपर से स्टोर से कोई चीज़ें ढूंढनी थी, वो मुझे देखें चीज़ ऊपर मिलती है कि नहीं मिलती ना। तो मैंने कहा ऊपर जाके अपनी चीज़ देखती हूँ। धूप भी निकली हुई है, लेकिन इतनी गर्मी नहीं है, थोड़ी सी हवा भी अच्छी ठंडी चल रही है, लेकिन फिर भी 11:30 का टाइम है। तो ये देखें, टूटी कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, हमने ऊपर रखी हुई हैं सारी। ये देखें, ये टुकड़े वगैरह भी ऊपर रखते हैं, क्योंकि फिर जब वो काम वाली घर ले जाती है अपने टुकड़े वगैरह। ये देखें, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ रखी थी, पता नहीं मुझे मिल नहीं रही, देखते हैं। नहीं, मुझे नहीं मिली वो चीज़। फिर मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ सातलों का घर ऊपर चढ़ के। ये देखें, ये सातलों का घर है, इनके तंदूर नीचे लगा हुआ है। ये देखें, गंदम की वहाँ वो खड़ी हुई, इनकी गोली, इनके भैंसे वगैरह भी हैं यहाँ पे। तो ये आसमान दिखा रही हूँ, आसमान बिल्कुल ब्लू नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल साफ आसमान है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद फिर बादल आ जाएंगे। अब मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे ये पौधे लगाए अपने हाथों से, ये देखें कितने बड़े हुए हैं। जब इंसान कोई पौधा लगाता है, कोई दरख्त लगाता है, जब बड़ा होता है तो कितना अच्छा लगता है, तो बहुत बहुत प्यार हो जाता है इन चीज़ों से भी। तो मैं फिर इस तरफ से आ रही थी, मैंने कहा ये कैन है पानी के, ये हमारे बाहर का पानी आता है। ये देखें, 2 कैन यहाँ पड़े हैं, ये भी है और एक इधर बड़ा कैन पड़ा है। मैंने कहा इसे वॉश करते हैं, धोते हैं, क्योंकि पानी आने वाला था, तो मैंने कहा इसे धोते हैं और फिर पानी लेते हैं, क्योंकि वॉश करके अच्छी तरह से फिर पानी लेना चाहिए। ये देखें, इसको अच्छी तरह से हम वॉश करेंगे, धोएंगे। फिर मैंने मोटर को चलाया, यहाँ से बटन लगा हुआ था इस साइड पे, तो ये देखें यहाँ से हमने फिर बटन ऑन किया। फिर ये यहाँ से मैंने पाइप उठाया और फिर मैंने इसको वॉश किया कैन को। ये देखें, बिल्कुल न्यू कैन है, इसमें अब देखेंगे धोएंगे तो बिल्कुल देखें साफ़ सुथरा सा हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि हमेशा साफ़ सुथरे पानी पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, तो हमारे कैन भी साफ़ होने चाहिए। घर में इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि घर का पानी हम कोई चीज़ में इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये बाहर का पानी में इस्तेमाल करते हैं, खाने में भी, पीने में भी, और बर्फ़ वगैरह जो जमाते हैं वो भी इसी पानी के जमाते हैं। क्योंकि घर का जो पानी मोटर का हमारा होता है, वो सिर्फ कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए इस्तेमाल होता है, हमारे और किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता। हम बाहर का पानी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पानी ख़राब है यहाँ का, कड़वा कड़वा सा होता है, तो इस वजह से ये पानी। अब ये देखें कि कपड़े थोड़े से हुए हैं, अब वो नाश्ता कर रही है अंदर जाके, तो पराठा वगैरह चाय वगैरह बनाई है, तो
कुछ मैंने फिर ज़्यादा भेजने ही बना लेना कुछ नहीं। तो जो कुछ मैंने छोटे का पंखा भी लगा के दिया है कि गर्मी ना लगे, तो वही कुछ ख्याल रखना चाहिए। फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा मौसमी वगैरह भी काट के देती हूँ। अब वो कपड़े धो रही हैं, उनकी बच्ची साथ है, तो मैंने एक मौसमी काटा है, मैंने कहा उस बच्ची को देती हूँ, बाकी मौसमी उसे साथ दे दूँगी तो ले जाएगी। तो ये मैं देने जा रही हूँ उसको मौसमी, लेकिन वो इशारा कहती हूँ मेरे साथ नहीं आना चल नहीं आती तुम्हारी तरफ, तो ये देखी मैंने मौसमी उसको दी है। तो फिर मैं ये देखी तो मैंने अंदर जाकर मौसमी जैसी बच्ची दे दी है। तो फिर मैं बाहर आई हूँ, तो फिर मैंने बताया कि इस यहाँ के ऊपर जाएंगे तो फिर वो कपड़े डालेंगे ऊपर जा सकती हूँ, उनके लिए कार के कपड़े डालेगी, शाम को सारी रखेंगे यहाँ पर कपड़े डालेगी। तो फिर ये देखें दो चार दिन है, तो एक ऊपर है कार पे, ये देखें अपने आप दिखा रही हूँ कपड़े उसने डाल दिए नीचे यहाँ पे, तो दो कारों के नीचे कपड़े डाल दिए हैं। तो ऊपर वो डालने के लिए वो नीचे आती है, मैं आपको ऊपर जा कर दिखाती हूँ कि अब मैं ऊपर जा रही हूँ तो आपको दिखाती हूँ कि ऊपर उसने कपड़े कितने डाले हैं। यहाँ पर उसने दो तारें भर दी हैं, अब मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर जाकर मेरे उपाय से शायद मेरे ख्याल में मेरे उपाय उसने ऊपर डाले हैं, तो मैं वो दिखाती हूँ आपको। तीन उपाय मैंने करवाए थे उससे, ये देखें जी, हाँ जी मेरे तीन उपाय हैं वो ऊपर रखे हुए डाले हुए हैं और सास काफ भी हैं। तो ये देखें जी मैंने तीनों उपाय ऊपर डाले हुए हैं, तो ये देखें जी। तो फिर मैंने आसमान की तरफ देखा, बादल आ चुके थे, ये देखें उस टाइम बिल्कुल साफ था आसमान, आप देखें टुकड़े टुकड़े से बादल बहुत खूबसूरत से लग रहे हैं माशाल्लाह से, कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने कहा चले ये भी आपको दिखाते हैं, शेयर करते हैं। फिर मैं नीचे गई, फिर मैंने उसे भिंडियाँ देखा था, ये देखें भिंडियाँ बनाई हैं, ये देखें थोड़ी सी जो लेस होती है उसमें सब वो जल्दी, लेकिन बहुत मज़े की टेस्ट भिंडी बनाई, थोड़ी सी बनाई है लेकिन बनाई है भिंडियों की, ये देखें थोड़ी थोड़ी सी बनाई है उसमें, टमाटर में करने डाले, प्याज हैं, शिकल मछली हैं, ये डाली हैं, तो मैंने थोड़ा थोड़ी सी बना देना, तो ये बनाई है। लेकिन उसके हाथ में बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छे खाना बनाती हूँ, तो लेकिन मुझे अपनी ज़रूरत होती है तो मैं जब मुझे उसके हाथ का खाना पे मैं बनवा लेती हूँ उसके, ये देखें सही मछली भी डाली है, टमाटर भी डाली है, प्याज भी डाली है उसमें, और शिकल धनिया भी डाला सकता है, और इसमें भी कभी कभी थोड़ा सा डाला हुआ है। फिर मैंने जी और यहाँ से अगर चलने बात की थी टेस्ट के, मैंने नमक मिर्च वगैरह और ये वगैरह इसमें मैं तोड़ रही हूँ, तो बहुत मज़े की बहुत अच्छी खाली भी डाला है, और उसकी नमक मिर्च भी डाली है, और उसकी खाली मिर्च भी डाली है, और जितने उसकी टेस्टी बनाए उसकी टेस्टी बनती है, बहुत मज़े की बनती है। ये चटंडी ये छा सा ये डाल रही हूँ तीनों, तो बहुत टेस्टी बन जाती है, और आप मुझे बना के खाओ तो बहुत मज़े टेस्टी बनती है। चटंडी तो बहुत भूख लगी हुई थी इस टाइम, तो मैंने कहा चलेंगे ये कुछ लेते हैं खाते हैं। तो इसके साथ मैंने जी ठंडा सा रोज़ा बना दिया था, और साथ तो क्या बात है जी, बस ये कह रही थी रोज़ा पिया बहुत मज़ा आया जी। तो ये देखें जी लिखा तो दिखा रही हूँ, ये देखें इसका रस देखें तीनों का मिक्स हो गया है किस तरह से, ये देखें अगर इसको बना के थोड़ी देर रख देंगे फिर इसकी इसमें जज्ब हो जाता है, बहुत मज़े का बहुत टेस्टी लगता है। ये देखो मार्केट में बेच रहे होते हैं ऐसे चटनी। तो गाइस कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग, और जरूर बताइएगा, तो हम याद रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।